प्राप्त होती है, ये हम सभी जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती, तो कभी पढ़ाए हुए पाठों में संदेह जगता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी आयोग की स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु मन की योग स्थिति केवल समर्पण से ही निर्मित होती है, ये हम सभी जानते हैं। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में तो ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञानियों की मर्यादा है और ना ज्ञान की, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो, जीवन ज्ञान का हो या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का हो, हमारे लिए गुरु से अधिक महत्वपूर्ण होता है गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं? गुरु की मैया को बुलाने तो लेकर मैया के लाडले को कहलाते हैं। मक्खन जो नाम है उनका, जो गोपियों से खूब रास जाते हैं, सबके दिल में बसे हैं वो, दिन रात उन्हीं का नाम लिया जाता है। वो और कोई नहीं, वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी दुनिया को भगवत गीता द्वारा ज्ञान दिया है। आज है उनका जन्मदिन, जो जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मन मंदिर में सज बिहारी।
कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण।